पंजाब के अमृतसर में दशहरे के दिन रावण दहन देखने आए लोगों के लिए किसी खौफनाक दिन से कम नहीं रहा। अमृतसर ट्रेन हादसे ने देखते ही देखते पल भर में खुशियों के पल को मातम में तब्दील कर दिया। दरअसल अमृतसर में जोड़ा फाटक के पास बीते दिन पहले ही रावण दहन के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से करीब 61 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास दशहरे के मौके पर रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। लोग रेल की पटरियों पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार में ट्रेन आई और सैकड़ों लोगों को कुचलती हुई चली गई। ट्रेन जालंधर से अमृतसर जा रही थी, तभी जोड़ा फाटक पर यह हादसा हुआ। लोग रावण दहन का वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक से ये खौफनाक मंजर उनके फोन में कैद हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, यह बहुत दुखद हादसा है, पूरे देश की संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम रेलवे से इस घटना की जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि शवों का पोस्टमार्टम जल्द से जल्द कराया जाएगा। ज्यादातर शवों की पहचान करा ली गई है, केवल 9 शव की पहचान की जानी बाकी है। वहीं मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।